हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेकअप टू मेकअप। मैं हूँ आयुषी और आज मैं जा रही हूँ अपना फीडबैक देने रेफ्रिजरेटर को लेकर के। इस फ्रिज को लिए हुए अप्रॉक्स 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है और इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है जिसपे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है आप लोगों का। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। एंड उसपे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें मैंने कुछ चीज़ें कवर नहीं की थी, तो उन कमेंट्स का मैं इस वीडियो में आंसर देना चाहूँगी। और इसके बारे में अभी 1 साल हो गए हैं तो मैं पूरा का पूरा आपको फीडबैक शेयर करूँगी। तो उसमें एक कमेंट था कि इसमें डोर लॉक है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें डोर लॉक नहीं है, चाइल्ड लॉक नहीं है। सो और इसमें था कि क्या हाइट है फ्रिज की, तो ये मेरे हाइट का है, मेरी हाइट 5'1" है, तो इससे ज़्यादा 5'1" से तो ज़्यादा नहीं है ये फ्रिज, ये मेरे हाइट का है। और इसके बाद से क्वेश्चन ये भी था कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो ये 195 यूनिट अप्रॉक्स 1 साल में कंज्यूम करता है। और इस पर ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि ये 2 CFL बल्ब से ज़्यादा नहीं लेता है कंजम्पशन, तो ये सिर्फ 2 CFL का रीडिंग आएगा, तो आपकी बहुत कम इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे बहुत ज़्यादा आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये 2 CFL का ही बस लेगा। और इसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं, ये फ्रिजर है, ये रेफ्रिजरेटर है। और एक क्वेश्चन था कि इसके अंदर लाइट है कि नहीं है फ्रिजर के अंदर। सो फ्रेंड्स, इसमें फ्रिजर में लाइट तो नहीं है। और जो आइस ट्रे है ये मूवेबल है, ये आइस ट्रे जो है ये मूवेबल है, देखिए। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये आ रहे थे मुझे कि इसका जो टेम्परेचर है कैसे ये सेट करते हैं। तो फ्रिजर के अंदर ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एकदम मिड में दिया हुआ है, जहाँ आप अपनी ये ट्रे रखेंगे उसके पीछे आएगा ये वैसे, तो आप उसे हटा के कर सकते हैं। जो ये बीच में है, ऑप्टिमल है, मतलब दोनों का टेम्परेचर अपना सेट रहेगा, दोनों अपना सही सही कूलिंग करते रहेंगे। अगर आपको रेफ्रिजरेटर का मैक्सिमम चाहिए, फ्रिजर का आपको कम चाहिए, तो आप इसे लेफ्ट साइड रैक कर दें, तो आपका रेफ्रिजरेटर का मैक्सिमम हो जाएगा और फ्रिजर का मिनिमम हो जाएगा। अगर आपको फ्रिजर का मैक्सिमम करना है, रेफ्रिजरेटर का कम करना है, तो आप इसे राइट साइड रैक कर दीजिए, तो आपकी फ्रिजर में कूलिंग ज़्यादा होगी, रेफ्रिजरेटर में कम होगी। और अगर आपको दोनों तरफ कूलिंग बराबर सी चाहिए, अच्छी चाहिए कूलिंग, मतलब फ्रिजर तो ऑब्वियसली आइस बनाने के लिए होता है, तो इसमें ज़्यादा ही कूलिंग रहेगी, तो इसे आप बीच में कर दीजिए, ऑप्टिमल है, दोनों के लिए टेम्परेचर बिल्कुल सेट है जितना जितना रिक्वायर्ड होता है। और ये काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट है, अगर आप बहुत जल्दी जल्दी में हैं तो आप इसे हटा सकते हैं, यहाँ आपका फ्रिजर करेगा, आप यहाँ बॉटल्स लगा सकते हैं, आप इसे हटा सकते हैं। और ये जो रेफ्रिजरेटर है इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, और इसमें सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। अभी तो मेरे फ्रिज में काफ़ी सामान है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि इसमें कलर ऑप्शंस के क्वेश्चंस आ रहे थे, इसमें कलर ऑप्शंस जो हैं, एक तो ये है और कॉपर कलर था, गोल्ड कलर है, ब्लू कलर है, और आप कलर्स चेक कर सकते हैं। और गाइस, एक चीज़ के लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगी कि सबसे पहले मैंने इसका प्राइसिंग नहीं आपको बताया, तो वो बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि मुझे पिछली वीडियो में ही बताना चाहिए था, जो मैंने नहीं बताया, सो सॉरी फॉर दैट। ये जब मैंने ख़रीदा था तो ये 26,000 का था, अभी इसके बाद से फ्लिपकार्ट पे मैंने देखा कुछ दिनों बाद ही डील आ गई थी, तो ये 23,000 समथिंग का मिलने लगा था, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, अभी ये 26 से कम में ही मिल रहा होगा। और इसमें कलर ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, आपको मैंने जैसे कि बताया आप। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने सैमसंग का, सब लोग कह रहे हैं कि LG का भी अच्छा है और वर्लपूल का भी अच्छा है, फ्रिजर सारे अच्छे होते हैं, फ्रिज कोई भी प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं, मैं किसी को इंडोर्स नहीं कर रही, ना कुछ स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, मुझे सैमसंग की सर्विस अच्छी लगती है इसलिए मैं सैमसंग प्रेफर करती हूँ और इसलिए मैंने इसे खरीदा, तो मैं इसका फीडबैक दे रही हूँ। ये 4-स्टार फ्रिजर है, अगर आपको प्राइसिंग थोड़ी सी अगर आपको कम चाहिए तो आप 3-स्टार में भी अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं, बट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल उससे ज़्यादा हो जाएगा।
और इसके बाद से इसमें स्टेपलाइजर इनबिल्ट है, आपको ये फ्रीजर ले रहे हैं, वैसे मोस्ट ऑफ द फ्रीजर में आ रहा है ऐसा ऑप्शन, सो आपको स्टेपलाइजर अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेस स्टोरेज के भी क्वेश्चन आ रहे थे, तो इसकी जो स्टोरेज ग्रॉस कैपेसिटी जो है वो 253 लीटर्स की है, और वैसे जो इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी है वो 234 लीटर्स की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने वॉशिंग मशीन का भी रिव्यू कर रखा है, एसी का भी कर रखा है, एक जूसर का भी कर रखा है, तो आपको जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी आपको आंसर करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप सब्सक्राइबिंग एंड दैट्स इट।